दिस इज गोलाघाट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, जहाँ पर मैंने मेरे लाइफ के 5 साल बिताए थे। और आज मैं आप लोगों को गोलाघाट टाउन को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोलाघाट। हेलो नमस्ते नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल जरी ब्लॉग्स। आप लोग कैसे होप से भी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं गोलाघाट टाउन तक। गोलाघाट टाउन हमारे जामुगुड़ी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहां पर जाएंगे। मेरे जो सिस्टर है तो वो जा रही है मेरे साथ 27 को वापस ग्वालपारा में, तो इसीलिए वो कुछ शॉपिंग करेगा बोल रहा है। मतलब जब से मैं आया हूँ तब से दिमाग खा रहा है कि मुझे टाउन जाना है, कुछ खरीदना है कुछ खरीदना है। तो इसीलिए आज मैं उसको लेके जा रहा हूँ टाउन में, वहाँ विशाल से उसको कुछ खरीद के दूंगा। एंड उसके बाद जाएंगे हम लोग कहाँ पे, एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जिसका नाम है जुगी बिल समथिंग लाइक पार्क है, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब एक टूरिस्ट प्लेस है गोलाघाट का। उसी पे जाने की कोशिश करेंगे, आप लोग को वही दिखाएंगे आज। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30, और इसीलिए मैं थोड़ा ये नेचर ये साय की पत्तियों के बीच में थोड़ा आया हूँ। मतलब मेरी सिस्टर जो है वो रेडी हो रहे, पता है लड़की लोग को कितना टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा नेचर का हवा खाने के लिए इधर आया। तो सोचा कि ऐसी ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। अभी हम निकलते हैं और बाकी बातें आपको रास्ते में बताते हुए आराम से चलेंगे और आप लोग को लेके जाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस। तो चलते हैं गाइस। और आज जो मैं बाइक लेके जा रहा हूँ वो है ये होंडा साइन SP125। तो ये मेरे छोटे भाई का बाइक है, इसी से जाएंगे गोलाघाट तक। तो निकलते हैं अभी। तो हमने हमारा जर्नी शुरू कर दिया जामुगुड़ी से। तो आज मैं और एक बार फिर से वॉइस ओवर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है GoPro। अभी मैंने ऑर्डर दिया है, जो मोबाइल माउंट करने का सीज होता है वो सब ऑर्डर दिया है, तो ग्वालपारा में जाके मुझे वो सब मिल जाएगा। तो अभी मैं वॉइस ओवर करके ही गोलाघाट टाउन के कुछ चीज़ें को आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करूंगा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जामुगुड़ी रेल स्टेशन के, ये जो रेल गेट, जिस दिन मैं गया था यही से गया था। एक क्लिप भी है मेरे लास्ट वीडियो में कि यह है जामुगुड़ी के रोड, यही से मैं आऊँगा। तो यही है वो रोड। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं डोलोजान। आप लोग मेरे राइट साइड पर देख सकते हैं एक छोटा सा बगान है, ये सोता नहीं, बहुत बड़ा बगान है लेकिन दिख रहा है सोता। राइट में ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे टी स्टेट है, जैसे वाटिंग टी स्टेट है, जामुगुड़ी टी स्टेट है, बहुत सारे टी स्टेट है आसपास में, यहाँ पर बहुत सारे टी स्टेट है। और अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं रूपकोलिया सारियाली, ये जो राइट साइड पे रोड दिख रही है यही से जाते हैं फोरकटिंग रेलवे स्टेशन तक। सामने और एक पॉइंट में जो है टेटली टोल, तो वहां से भी जा सकते हैं। टाउन में से जो लोग आते हैं वो लोग उधर से जाते हैं फोरकटिंग रेलवे स्टेशन तक। तो यही है टेटली टोल तिनियाली, यहाँ से जो राइट साइड पे रोड देख रहे हैं यही से जाते हैं फोरकटिंग रेलवे स्टेशन तक। और अभी हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं गोलाघाट टाउन में। तो यही है गोलाघाट टाउन। तो ये सारे वीडियोस मैंने लिए हैं यूट्यूब से, तो जिन लोगों के चैनल से मैंने ये ड्रोन शॉट्स लिए हैं उन लोगों के चैनल्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा उन लोगों का भी चैनल। तो फिलहाल हम लोग है ZF रोड, और मेरे लेफ्ट साइड पर है ये SEV ऑफिस, मतलब गोलाघाट का पावर हाउस, और मेरे राइट साइड पर है डॉस कंपनी। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं जमुना पार्क, मेरे राइट साइड पे है ये जमुना पार्क। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है, कभी अगर आऊँगा तो मैं आप लोगों को ये पार्क भी दिखाऊंगा, यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। और ये मेरे राइट साइड पे है जनरल फील्ड, एंड इसके आगे ये है गोलाघाट स्टेडियम। ये स्टेडियम बहुत बड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पेविलियन भी बना हुआ है चारों तरफ। तो भी अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं गोलाघाट कॉमर्स कॉलेज। इस कॉलेज को दिखाने के लिए मैं इसलिए लाया हूँ कि इसी कॉलेज से मैंने BCOM किया था, और बहुत ही ज़्यादा मेमोरीज जुड़े हुए इस कॉलेज के साथ मेरा। तो इसी रोड से सीधा सीधे जाएंगे तो आगे 2 कॉलेज मिलेगा। तो ये है एक कॉलेज रिलायंस कॉलेज, ये प्राइवेट कॉलेज है। एंड मेरे सामने ये है राइट साइड पे मेरे DR कॉलेज, मतलब देवराज रॉय कॉलेज। गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, एक है कॉमर्स कॉलेज और दूसरा है DR कॉलेज। कॉमर्स कॉलेज में आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम पढ़ाया जाता है, एंड DR कॉलेज में आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम पढ़ाया जाता है। और ये मेरे राइट साइड पे है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी।
अभी हम लोग गोलाघाट टाउन का एक चक्कर लगा के पहुंच चुके हैं विशाल। तो ये है गोलाघाट का विशाल, पहुंच चुके हैं विशाल में। अभी अंदर चलेंगे और शॉपिंग करेंगे एंड उसके बाद जाएंगे हम लोग घूमने के लिए। ये है गोलाघाट का विशाल और मेरे सिस्टर कपड़े धुन रहे हैं। लड़की लोग का बहुत टाइम लगता है कपड़े वपड़े धुनने में। एक पेन लिया है ये, फिर टॉप ढूंढ रहे कुछ। तो ये सबसे डाउन फ्लोर है, ये यहीं पर सभी लड़की का जो कपड़ा वपड़ा होता है सब इधर है, लड़कियों का क्लोथ इधर है और ऊपर दो फ्लोर है। अभी फिलहाल यहाँ से ही शॉपिंग वॉपिंग करके निकल जाएंगे हम लोग। पहुँच चुके हैं पेमेंट करने के लिए, लिया गया है एक बैग, एक टॉप एंड एक जींस। अभी करते हैं पेमेंट फिर निकलते हैं यहाँ से। गाइस फिलहाल निकल चुके हैं विशाल से, शॉपिंग वॉपिंग हो गया, सब हो गया। अभी बोल रहा था कि अगर 1000 पेमेंट होता है तो 1 kg सेनी फ्री में मिलता है, तो ही मिल गया हमको 1 kg सेनी। और अभी यहाँ से जाएंगे जोगीबिल घूमने के लिए। एक तो ये गोलाघाट टाउन थोड़ा एक्सप्लोर कर दिया आप लोगों को, मैं डायरेक्ट आ सकता था विशाल तक लेकिन मैं थोड़ा घूम के आया ताकि आप लोग को थोड़ा गोलाघाट टाउन दिखा सकूँ। तो अभी यहाँ से निकलते हैं।